अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू असमा धनशेज़ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं स्मोकी फ्राइड फिश, जिसके लिए हमें चाहिए अपनी पसंदीदा फिश, मीडियम साइज़ की 7 से 8 अदद, कोकनी फिश मसाला जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, 3 टेबलस्पून गार्लिक मोटा कुटा हुआ, 5 से 6 कली करी पत्ता, 10 से 12 बारीक कटा हुआ, नमक एज रिक्वायर्ड, वाइट विनेगर 1/2 टेबल स्पून। एक बाउल में हम फिश मसाला, गार्लिक, करी लीव्स और नमक डाल देंगे। मसाले में 1/2 टेबल स्पून विनेगर ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। 1 टेबल स्पून पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इस मसाले को फिश पर लगा देंगे एक एक करके। फिश में अच्छे से मसाला लगा दें। इसी तरह सारे फिश पर मसाला लगा दें। हमने सारे फिशेस पे अच्छे से मसाला लगा लिया है। आप चाहो तो विनेगर की जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो और एक्स्ट्रा क्वांटिटी में पानी ऐड कर सकते हो ताकि मसाला अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब हम इन फिश को फ्राई करने जा रहे हैं। एक नॉनस्टिक पैन में ऑयल गरम करके एक एक फिश फ्राई कर देंगे। एक एक करके सारी फिशेस डाल दें। और थोड़ी देर उसे पकने के लिए रख दें। फिश को 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकने दें और फिर उसे पलट के और 3 से 4 मिनट दूसरी साइड से भी पकने दें। फिश दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें स्मोकी फ्लेवर लाने के लिए इसको रोस्ट करेंगे। चूल्हे पर एक जाली रखिए और उसे गर्म होने के लिए दें और फिर उस पर एक एक करके फिश डाल दें ताकि इसमें अच्छे से स्मोकी फ्लेवर आ जाए। मीडियम फ्लेम पर इन फिश को थोड़ी देर रख देंगे ताकि स्मोकी फ्लेवर अच्छे से घुस जाए इसमें। फिश को पलट कर दूसरी तरफ से भी रोस्ट कर लेंगे। इसी तरह बाकी बचे हुए फिश को भी रोस्ट करेंगे। स्मोकी फ्राइड फिश रेडी हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।